जैसे ही मैं भट्टी से आया लखा लेकर दोस्तों, हमारे पापा ने फोन किया था और उन्होंने बोल रहा था दोस्तों कि फैमिली के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। वही तो हम लोग सोच रहे हैं काम करने में और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा दोस्तों, तो हम लोग सोच रहे हैं कि दोस्तों हमारे न्यू ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। और दोस्तों अभी घर पर हूँ दोस्तों, और अभी खाना खाने के लिए आया हूँ दोस्तों, मिट्टी उट्टी खोद कर। और इधर है हमारे सुष्मिता, हाय बोलो। और इधर है हमारा सुष्मिता, अभी खाना खाने के लिए बैठा हूँ दोस्तों। और इधर है हमारा बड़ा बीवी, खाना निकाल रहा है अभी। और क्या सब्जी बनाए, क्या सब्जी बनाए हो? आलू। आलू, तो आलू का सब्जी है दोस्तों, तो अभी खा लेते हैं दोस्तों खाना, और उसके बाद फिर जाते हैं मिट्टी पलटी करना है दोस्तों। और आज रात में दोस्तों हम लोग ज़्यादा हीट नहीं बनाए दोस्तों, क्योंकि हमारा मिट्टी गीला हो गया था। तो हज़ार बना होगा ना, हज़ार ईंट बना होगा दोस्तों, 1000। तो अभी जाते हैं मिट्टी पलटी करने के लिए खाना खाने के बाद दोस्तों। खाना वाना खा कर अभी बैठे हैं दोस्तों। इधर है हमारा बड़ा बीबी, कितना खाना खाए तो दोस्तों मुँह छुपा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बहुत ही खाना खाता है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो उधर देखो मुँह को छुपा रहा है, कितना खाना खाए बोलो। एक प्लेट। और इधर है हमारा छोटा बीबी, तुम कितना खाना खाए? हमारे बच्चे रो रहा है, क्या हुआ? इधर देखो क्या हुआ। ले चलो दोस्तों चलते हैं हम मिट्टी पलटी करने के लिए दोस्तों। इतना सारा मिट्टी भिगोए थे दोस्तों, और भिगो के खाना खाने के लिए गए थे दोस्तों, और इतना सारा मिट्टी बच गया है, गीला होने के कारण नहीं बना पाए दोस्तों। और इधर काफ़ी धूप है दोस्तों, क्या ही बताएं, इतना सारा धूप है तो क्या ही बताएं दोस्तों। इसमें पानी अंदर गया रहे दोस्तों, देख सकते हैं इधर, तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको पलटी कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों मिट्टी पलटी कर ली है दोस्तों, और पन्नी नहीं हो पाया दोस्तों ढकने के लिए, तो हमारे किचन का पन्नी को निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों ये वाला पन्नी को निकालेंगे दोस्तों, और अभी काफ़ी हवा चल रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये वाला पन्नी को बारिश हुआ था तो इसमें लगाए थे, तो इसको निकाल लेते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों मिट्टी को पूरा ढक लिए दोस्तों अच्छा तरीका से। दोस्तों हम लोग घर पर आ गए हैं दोस्तों, और अभी मैं जाऊंगा दोस्तों लखा लेने के लिए। हमारे घर में एक थोड़ा सा भी लखड़ नहीं है कि नहीं, तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों लखा लेने। और हमारे छोटा भी गया है नहाने, और ये भी नहाने, अभी नहाने जाओगे ना, तो इन लोग अभी नहाए जाएगा दोस्तों, और मैं जाऊँगा अभी लखा लेने के लिए, और आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा ही भट्टा, आप लोगों को दिखा दूंगा दोस्तों। मैं आ गया हूँ भट्टा दोस्तों, देख सकते हैं कितना लंबा है दोस्तों भट्टा, इसको चिमनी बोलते हैं दोस्तों इधर। और कितना सारा लखड़ है दोस्तों देख सकते हैं, तो इसमें का थोड़ा से ले जाते हैं दोस्तों जल्दी से। दोस्तों मैं भट्टे से आ गया हूँ दोस्तों लखड़ लेकर, और इधर है हमारे दोनों बेबी। और दोस्तों जैसे ही मैं भट्टे से आया लखड़ लेकर दोस्तों, हमारे पापा ने फ़ोन किया था, और उन्होंने बोल रहा था दोस्तों कि दूसरे गांव में एक घर बना दे रहा हूँ छोटा सा, तो वहाँ पर तुम लोग आना और रहना बोल रहा था दोस्तों। तो हम लोग नहीं बोले है कि नहीं, तो हम लोग नहीं बोले दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाने से हम लोगों को दिक्कत होगा काम करने में, और बहुत सारा प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे है कि नहीं, और हम लोग बेंगलोर जाएंगे या तो तिरुपति जाएंगे, तो हम लोग को काम करेंगे तो मतलब उधर ज़्यादा पैसा मिलता है कि नहीं, उधर हज़ार का हज़ार है कि नहीं, हज़ार का 1100, तो 1100 तो उधर पैसा होगा, तो हम लोग हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो हम लोग घर आएंगे सीधा दोस्तों, यही सोच रहे हैं कि नहीं। हम लोग घर आएंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा दोस्तों, और दूसरे गांव में रहना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। और ऐसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, दो 1.5 किलोमीटर है, नहीं 1.5 किलोमीटर होगा दोस्तों और गाँव, तो वहाँ पर घर बना दे रहा हूँ, वहाँ पर आके रहो बोल रहा था, तो हम लोग नहीं बोले दोस्तों। और हमारे पापा ने मतलब हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है कि नहीं, तो हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है, तो इसके लिए थैंक यू। और दोस्तों हम लोग घर दूसरे गांव में नहीं रहेंगे दोस्तों, हम लोग रहेंगे तो हमारे गाँव में है कि नहीं, फैमिली के साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। वही तो हम लोग सोच रहे हैं फैमिली के साथ ही रहेंगे, तो जब पैसा हो जाएगा तो हम लोग सीधा हमारे घर जाएंगे।
बोले चलो दोस्तों, खुशी हुआ है लेकिन हम लोग को कि हमारे पापा ने घर बना दूंगा बोला आज दूसरे गाँव में। दोस्तों हमारे पापा ने सही बोला या क्या बोला आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि नहीं, अच्छा बोला कि गलत बोला क्या बोला आप लोग कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और वीडियो को यही एंड करते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये।